हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी, जैसे आप जानते हैं मेरा चैनल है स्विमिंग बाय मनी चैनल, दूसरा है टेक्निकल लवली मनी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा। टेक्निकल लवली मनी चैनल पे मैं मोबाइल की अनबॉक्सिंग करता हूं, अगर मोबाइल से रिलेटिव कुछ आपने जानना है तो आप वहां जाकर वीडियो देख सकते हो। तो आज की वीडियो है किकिंग के साथ प्रैक्टिस कैसे करें, किकबोर्ड के साथ किकिंग की प्रैक्टिस कैसे करें, विदाउट किकिंग कैसे करें। मेन बात यह है कि आज मैं जो शूट करने वाला हूँ वो ओनली किक के ऊपर है। मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे हैं किकबोर्ड के साथ सीधी फ्लोटिंग, सीधी किकिंग, उल्टी किकिंग कैसे करें। इस वीडियो में मैंने दोनों दिखाए हुए हैं, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ये किकबोर्ड होता है, इसमें आप जैसा मर्जी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है फ्रेंड्स। किकबोर्ड ही होता है। इसका काम होता है कि आपके बॉडी को नीचे नहीं जाने देना, सिर्फ सपोर्ट करना हल्की सी। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि क्या होता है कि कईयों को किकबोर्ड पकड़ना नहीं आता, कैसे पकड़ते हैं मैं बता देता हूँ। जैसे आप देख सकते हो कि ये बीच में से थोड़ा बैंड है, ठीक है। अगर ना भी हो तो आप इसको ऐसे करके बैंड कर सकते हो, ये बैंड हो गया। इसको आपने इस साइड से पकड़ना है, ठीक है। इस साइड से पकड़ोगे तो ये चीज़ ऊपर पानी को, बल्कि पानी के ऊपर रहेगी। अगर आप इसको ऐसे पकड़ लेंगे तो ये पानी के नीचे जाने लग जाएगी, ठीक है। सबसे पहले आपने ये तैयार रखना है। उसके बाद किकिंग कैसे करनी है, इसको पकड़ के। एक तो होता है कि आप इसको यहाँ से पकड़ सकते हो, बल्कि ऐसे करके किकिंग कर सकते हो, ठीक है। एक ग्रिपिंग इसकी यहाँ से होती है ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स। अलग अलग ग्रिपिंग होती है, ठीक है। बैक में ग्रिपिंग होती है ऐसे, ठीक है। ऐसे ग्रिप करना होता है, आपने स्ट्रेट रखे, आपने किक चलानी होती है इसको, मतलब कि ऐसे, ठीक है। दूसरी ग्रिप होती है, इसको आप ऐसे सिर के नीचे देखे, आप सीधा हाथ करके फिर भी किक चला सकते हो। मैंने इस वीडियो में दोनों किकिंग दिखाई हुई है, तो वीडियो एंड तक देखे। आपको किकिंग किकबोर्ड के साथ प्रैक्टिस कैसे करनी है वो आपको आ जाएगी, और विदाउट किकबोर्ड कैसे करनी है वो भी आपको सारी समझ में आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मैंने ग्रिप बता दिया कि कैसे करना है। मुझे बैक फ्लोटिंग की किकिंग के ऊपर आ रही थी कि बैक किकबोर्ड के साथ बैक किकिंग कैसे करनी है, उसके ऊपर एक वीडियो बना दो, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना दें। तो आज की सारी वीडियो ओनली किकिंग पे है, फ्री स्टाइल की किकिंग, जो कि आपको बैक की और नॉर्मल जो किकिंग होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो किकबोर्ड के साथ कैसे किकिंग करते हैं, कैसे प्रैक्टिस करते हैं, ये सारा दिखा देंगे। तो किकबोर्ड का कोई इशू नहीं रहता, आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। किकबोर्ड एक फोम सी होती है जो कि पानी में नहीं डूबती, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अगली नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ हैशटैग डाल के मुझे जरूर बताना, ठीक है। जो ज़्यादा कमेंट होगी उसके ऊपर मैं बहुत जल्दी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो किकबोर्ड ये रहा, तो हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। मैं पानी में आपको स्लो मोशन में भी दिखा दूंगा, और मैं आपको विदाउट किक, किकबोर्ड के साथ, किकबोर्ड के बिना, दोनों चीज़ दिखाऊंगा। तो वीडियो का एंड तक देखते रहें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं सॉरी मांग लेता हूँ, मेरे बैकग्राउंड में थोड़ा शोर आ रहा है क्योंकि जब मैं बाल में डबिंग कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, फ्री स्टाइल की किकिंग आप चेक कर सकते हो, किकिंग कैसे करनी है। तो किकिंग करते समय जिस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपने किक करनी है उसमें आपके थाइज भी वर्क करने चाहिए, जैसे चेक कर सकते हो चिंटू की किकिंग कैसे चल रही है, और फास्ट चल रही है, सही चलेगी तो आपकी स्पीड सही रहेगी, ठीक है। किकिंग की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका फ्री में भी टाइम टूट जाएगा, मतलब कि स्विमिंग में आपका स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। किक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी जने किक के ऊपर वर्क नहीं करते। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान रखना है कि किकबोर्ड को आपने मतलब कि हल्का सिर्फ सपोर्ट लेनी है, यानी किकबोर्ड के सहारे ही आपने सारा कुछ करना है। किकबोर्ड सिर्फ इसलिए है ताकि आपने जब सांस लेना है आपको कंफर्टेबली इजिली सांस ले पाओ, ठीक है फ्रेंड्स। और अदरवाइज किकिंग में पैर कैसे रखने हैं वो मैंने आपको पहले मेरी वीडियो बनी है उसमें भी दिखाया हुआ है। ये बैक मतलब कि सीधी फ्लोटिंग में किकिंग कर रहा है, ठीक है। जैसे आप फ्लोट करते हो तुरंत आपने किकिंग स्टार्ट कर देनी है। अब आपको मैं बैक दिखा देता हूँ, बैक की दो ट्रिक्स रहती है, इसकी भी दो ट्रिक्स रहती है। बैक में एक में तो आप किकबोर्ड ऐसे पकड़ सकते हो, ठीक है। थोड़ा और नीचे से पकड़ोगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए। तो एक रहता है आप सिर के नीचे दे सकते हो, ये चेक कर सकते हो। सिर के नीचे आप ऐसे दे दोगे तो आपका जो सिर है वो इजिली ऊपर रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपको फ्लोटिंग आ जाएगी, मतलब कि फ्लोटिंग अगर आपको बैक में दिक्कत हो रही है किकिंग के लिए आप किकबोर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। वीडियो एंड तक देखना, मैं आपको स्लो मोशन में किकिंग दिखाऊंगा, ठीक है। किकिंग में पैर जो है, पैर मूवमेंट है जो मैंने लास्ट में बताया कि पैर कैसे होने चाहिए, अदरवाइज मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई हुई है। इन द केस अगर आप किकिंग करते समय आपका फेस पानी में चला जाता है तो आपने ब्रीथिंग करनी है, नाक से पानी छोड़ना शुरू कर देना है, वैसे भी आपने मुंह से सांस अंदर लेना है और नाक से छोड़ना है, ठीक है। इसमें भी मतलब कि जैसे ये बैक की किकिंग करोगे तो इसमें भी आपने सेम यही चीज करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मैं आगे भी दिखा दूंगा। अभी आप किकबोर्ड के साथ चेक कर सकते हो कि बैक में फ्लोटिंग कैसे करनी है और किक कैसे करनी है। जितनी फास्ट करोगे एक पानी का साउंड आता है, ठप 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 ठप, अगर आप फास्ट करोगे एक साउंड आता है, वो साउंड अगर आप पानी के अंदर कान भी कर लेते हो तब भी आपको सुनेगा, ठीक है। अगर आप उस पर कंसंट्रेट करोगे, अगर आप किक तेज चलाओगे, सही चलाओगे, तो आपकी स्पीड और जो साउंड आएगा उसकी वजह से आपकी स्पीड बढ़ेगी, मतलब कि अगर आपको साउंड सुन रहे हैं तो जेन्युइनली आप पैर तेज चला रहे होंगे और पैर सही चला रहे होंगे,
ठीक है। तो अब आपको मैं ये किकबोर्ड के बिना भी दिखा देता हूँ कि विदाउट किकबोर्ड हमने किकिंग कैसे करनी है। किकिंग प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड बढ़ती है, ठीक है। इसमें देखो जैसे चिंटू का नाक सिर में और नाक पानी में जा रहा है, तो ये जो ब्रीथिंग है वो छोड़ रहा है, जिसके कारण इसके नाक के अंदर पानी नहीं जा रहा। कमेंट में मुझे काफ़ी आता है कि नाक में पानी चला गया, मैं क्या करूँ, मैं पानी अंदर जाता हूँ तो नाक में। जब आप ब्रीथिंग करते हो तो ब्रीथिंग करते करते अंदर जाया करो, करते करते बाहर आया करो। क्या होता है कि हम पानी के अंदर जाके ब्रीथिंग करते हैं स्टार्ट ना, करते करते स्टार्ट करनी है, ठीक है। मैं ये बैक में आपने देख ली कि विदाउट हैंड कैसे करनी है। वैसे विदाउट किकबोर्ड आप किकिंग करते हो तो आपकी किकिंग थोड़ा फास्ट रहती है, अगर आपको फ्लोटिंग अच्छे से आती है। ये बैक की चेक कर सकते हो, ये फ्रंट की चेक कर सकते हो। फ्रंट में किक इतनी फास्ट चलनी चाहिए और सेम ऐसी चलनी चाहिए, ठीक है। इसमें आप स्पीड भी चेक कर सकते हो कि स्पीड भी फास्ट होती है। अगर आप किकिंग के कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हो तो आपको क्या कहते हैं, आपकी जो फ्री स्टाइल है, स्विमिंग है, उसमें आपकी काफ़ी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि किकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और मैंने लगभग देखा है लोग स्विमिंग की प्रैक्टिस तो करते हैं पर किकिंग की प्रैक्टिस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो किकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्री स्टाइल कर रहे हो, आपकी फ्री स्टाइल की स्पीड बढ़ाने चाहते हो, मुझे बहुत कमेंट आते हैं कि फ्री स्टाइल की स्पीड कैसे बढ़ाए, तो जितनी किकिंग की प्रैक्टिस हो सके आप कर सकते हो, ठीक है। अब आपको मैं दिखाता हूँ ये स्लो मोशन में सही मूवमेंट कैसे रहती है और क्या क्या करना होता है सही मूवमेंट में, ठीक है। बस ये चेक कर सकते हो एकदम स्लो मूवमेंट में, ठीक है। बल्कि फेस अंदर रखना है, फेस ये नहीं कि आपका फेस आधा बाहर रहे और आप किकिंग कर रहे हो। किकिंग चेक कर सकते हो कि थाइज इसके वर्क कर रहे हैं, ठीक है, पूरी लेग वर्क कर रही है। कई बार क्या होता है कि किकिंग में सिर्फ नी फोल्ड कर करके आप किक करते रहते हो और बॉडी आपकी किक आगे बढ़ती नहीं है। ये चीज़ों का ध्यान रखना है। फेस कोशिश करना है कि आपने 6 से 8 किक करने के बाद फेस बाहर निकालना है, उसके बाद सांस ले सकते हो। बाकी आपके स्टेमिना के ऊपर रहते हैं, आप 4 किक करके भी ले सकते हो, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। बिगिनर के लिए प्रॉब्लम रहती है, चिंटू को तो अब सारा कुछ आता है, खैर उसकी प्रैक्टिस है अच्छी खासी 3-4 साल की, तो वो विदाउट किकिंग में भी किकबोर्ड के भी आसानी से कर लेता है। बट किक मूवमेंट चेक कर लो, सेम ऐसे चलनी चाहिए, पैर खड़ा नहीं होना चाहिए, जिसके कारण आपकी स्पीड आगे ना बढ़े और आप किकिंग सही कर रहे हो सोच रहे हो तो मैं आगे ना बढ़ो। अदरवाइज मेरा व्हाट्सअप के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और आप अपनी वीडियो को अगर आप फिर भी गलत हो रही है, आप वीडियो का क्लिप बना के उसके ऊपर डाल देना, तो मैं आपकी गलती बता दूंगा कि आपकी गलती क्या हो रही है। जो स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ मैं बैक की किकिंग किकबोर्ड के साथ, ठीक है फ्रेंड्स, चेक कर सकते हो। स्टार्टिंग में मैंने बताया था किकबोर्ड कैसे पकड़ना है और कहाँ कहाँ से ग्रिप कर सकते हैं। और इसमें क्या है, एक चीज़ और बता दूँ, बैक में सांस जब मतलब कि नाक में जाने की दिक्कत रहती है, जब आपको पता है कि पानी उछल रहा है तब नाक से सांस थ्रो करो और मुंह बंद कर लो। इन द सेंस आपके मुंह में पानी चला भी जाता है तो आप पूल में इसको थ्रो कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया और सारा कुछ। और कमेंट कर देना नेक्स्ट वीडियो मैं किसके ऊपर बनाऊँ, मुझे इसके ऊपर कमेंट आ रहे थे तो मैंने सोचा कि आपको इसके ऊपर वीडियो बना दूँ। किकिंग की प्रैक्टिस कैसे करते हैं, किकबोर्ड के साथ कैसे प्रैक्टिस करते हैं, तो ये वीडियो मैंने सिर्फ पानी में बनाई है। अदरवाइज आपने बाहर कैसे प्रैक्टिस करते हैं उसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है, तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो का एंड करने से पहले एक चीज़ और बोल दूँ कि मैंने लास्ट में भी कुछ टिप्स दी हुई है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें ताकि आपको पता चल जाए किकिंग में क्या क्या करना होता है, ठीक है। स्लो मोशन में मैंने किकिंग दिखा दिया। हाँ, बैक में एक चीज़ ध्यान रखना कि आपके जो नीज है वो ज़्यादा बाहर नहीं आने चाहिए, हल्के फुल्के बाहर चलते हैं पर ज़्यादा बाहर नहीं आने चाहिए। चलो एंड करें। आई होप फ्रेंड्स आपको किकिंग समझ में आ गई होगी कि किकबोर्ड के साथ किकिंग कैसे करनी है, विदाउट किकबोर्ड कैसे किकिंग करनी है। तो मेरा चैनल आ ही रहा ना टेक्निकल लवली मनी, तो इसको भी सपोर्ट करना, और स्विमिंग बाय मनी के तो आप सपोर्ट कर ही रहे हो। तो फ्रेंड्स यही थी आज की मतलब की जो वीडियो थी कि किकिंग बोर्ड के साथ के और किकबोर्ड के बिना कैसे करते हैं हम किकिंग, किकिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो चिंटू ने सारी किकिंग करके दिखाई है, ये थोड़ा आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। रीज़न क्या है, क्योंकि चिंटू की प्रैक्टिस है, ठीक है, तो वो इजीली कर रहा है, ठीक है। आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है जब आप बैक किकिंग करते हो, तो इसमें जब आप पानी मुंह में चला जाता है तुरंत बाहर निकालना होता है। जब आपको लग रहा होता है कि आपका फेस पानी में जा रहा है तो आपने ब्रीथिंग करनी होती है, ये बात आप याद रखना। जब आप पानी का फेस आप पानी में जाए तो आपने ब्रीथिंग कर देनी है आउट, ठीक है, फिर आपका फेस बाहर आएगा, आप मुंह से ले सकते हो, ठीक है। फेस जितना ऊपर रहेगा उतना आपकी कमर भी ऊपर रहेगी, ठीक है। जितना फेस आप नीचे रखोगे उतने आपके पैर नीचे जाएंगे, ये बात है क्या ध्यान रखना है, क्योंकि आप फेस नहीं ऊपर करते, कहीं देखा है पकड़ के फेस उनका ऐसे रहता है और बॉडी टाइट रहती है। जितना फेस आपका नीचे रहेगा उतना ही आपका बॉडी है जो पानी के नीचे जाएगी, ठीक है। इसी तरह बैक में जब आप उल्टी फ्लोटिंग करते हो तो अगर आपका फेस नीचे है तो आपके पैर ऊपर रहेंगे, अगर आप फेस ऊपर कर लेते हैं तो बैक बॉडी नीचे जाने लग जाती है। जितना अपनी बॉडी को लूज छोड़ोगे उतना बढ़िया रहेगा। और एक चीज़ और, कईयों को ब्रीथिंग नहीं आती और फ्लोटिंग आ जाती है, किकिंग करने लग जाते हैं। जब आप क्या होता है कि कई कहते हैं कि मेरे लेग्स नीचे जा रही है, बार बार नीचे जा रही है,
लेग्स नीचे जाने का कारण क्या होता है मैं बता देता हूँ। लेग्स नीचे जाने का कारण ये होता है कि हम सांस लेते हैं वो हमारे फेफड़ों में सांस भर जाता है, लेग्स में सांस नहीं कभी भर सकते, मतलब कि लेग्स में हवा कहाँ से भर रहे हैं हम, फेफड़ों में तो ऑक्सीजन होती है जिसके कारण हमारी बॉडी ऊपर रहती है। तो लेग्स में सिर्फ बोन्स होती है जो हैवी होती है, वो कुछ देर के बाद ऑटोमेटिकली नीचे जाने लग जाती है। तो मुझे कईयों के कमेंट आते हैं कि भाई मेरी लेग्स बार बार नीचे जा रही है, मैं क्या करूं? तो लेग्स के ऊपर आपने ध्यान रखना है कि लेग्स जो आप एक बार फ्लोटिंग करने लगे तो किक स्टार्ट कर देनी है, आपने कंटिन्यू किक चलानी है। किक की प्रैक्टिस आपने देख ली है, किक कैसे रखनी है ये आपको बताया, मैंने बताया भी हुआ है, अगर नहीं देखा तो आपने किक की मैंने जो बाहर प्रैक्टिस बताई है वो आप देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो चीज़ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक बार मैं किक के पैर दिखा देता हूँ आपको। ये पैर देख रहे हो, किक के पैर ऐसे नहीं होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, और ये पैर इतना फोल्ड नहीं होना चाहिए। जब आप किकिंग करोगे सीधे रख के ऐसे ऐसे करनी है, थोड़ा बहुत फोल्ड हो जाए तो हो जाए, बस इस बात का ध्यान रखना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, आई होप कि आपको अच्छी लगी हो और किकिंग आपको आ गई हो और ये कंप्लीट हो गया टास्क कंप्लीट, कमेंट जो था उसका रिप्लाई अच्छा खासा हो गया होगा। बाकी अगर मेरी इस वीडियो से कोई गलती हो जाती है तो मुझे माफ़ कर देना, और बस आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ये चैनल है स्विमिंग बाय मनी जिसके ऊपर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, स्विमिंग से रिलेटेड जे आर टेक्निकल लवली मनी जिसके ऊपर मेरी मोबाइल की अनबॉक्सिंग आती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, इसी तरह मैं और वीडियो आपको देते रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो किस पे है हैशटैग करके जरूर, थैंक यू बोलता।